नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुनिया आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। लाउडस्पीकर अगर गणेशोत्सव पर हानिकारक है तो ईद पर भी नुकसानदेह, उच्च न्यायालय। कपिल सिब्बल देते रहे दुहाई, सीबीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक न सुनी, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। आईपीएल प्लेयर्स से महंगी होती है वकीलों की दलील, कौन लेता है एक सुनवाई की 16 लाख फीस, बनाई करोड़ों की दर। ऐसे जनसंख्या बढ़ाएंगे बांग्लादेशी हिंदू, किसकी यलगार सुन, कांग्रेस इस्लामिक कट्टरपंथी यूनो सरकार भी। लेबनान पैगर ब्लास्ट, लेबनान में बम जैसे फटे जेब में रखे पेजर्स, सीरियल ब्लास्ट में 8 की मौत, ईरानी सिराज दूध समेत 2750 लोग घायल। आसमान नहीं गिर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाइयों पर लगाई रोक, कहा एक भी जगह हुआ अवैध मिट्टीकरण तो ये आदेश का उल्लंघन। भिवंडी में मस्जिद के पास गुजर रही थी गणपति विसर्जन शोभा यात्रा, अचानक होने लगा पथराव, हालात को संभालने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। पाकिस्तान के खिलाड़ी चीन से हारे, फिर उसी का झंडा लेकर पहुंचे स्टेडियम, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जमकर गाम मचा। ईरान, भारत से कोई दुश्मनी नहीं, मुस्लिमों पर ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चुभने वाली बातें क्यों बोली। रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी ने दिया यूजर्स को दिवाली गिफ्ट, एक साल तक फ्री देंगे 5G इंटरनेट, मच गई खलबली। सीएम की कुर्सी छोड़ते ही बदल गया जीवन, अब बस इतनी होगी सैलरी, सुविधाओं में भी कटौती। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में बनेगा नया एम्स, सीएम योगी ने किया ऐलान। इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक ने 1200 करोड़ लगाकर काउंटी टीम में खरीदी हिस्सेदारी। जम्मू कश्मीर पॉज 2024, इधर सबको चौंका रहा जम्मू और कश्मीर का सर्वे, उधर एक्सपर्ट बता रहे दूसरा ही पैटर्न। दिल्ली की नई सीएम आतिशी का साड़ी, सूट पहनने का अंदाज है जुदा, सादगी में भी झलकता है फुल कॉन्फिडेंस। अंबानी ने दिया ग्राहकों को दिवाली का तोहफा, एक साल तक मुफ्त देंगे 5G इंटरनेट, जाने कैसे। बीजेपी नहीं बचा पाएगी जमानत, जितनी बार सीएम योगी आएंगे उतनी बार 1000 वोट बीजेपी के कम होंगे, सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। 3-2, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी 3-2, शाहरुख खान की जवान को चटाई धूल, 586 करोड़ का किया कलेक्शन। म्यांमार सीमा पर बिना वीजा प्रवेश नहीं, लगेगी 1500, अमित शाह। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।